है, अब याद करिए, वोट दीजिए। ये हम नहीं कहेंगे कि छोटा वोट दीजिए। आज जो कोई काम नहीं करता है, आज जिसको पिछली बार जिता दिए वो एको को काम किया, कांग्रेस का था, कोई काम किया है आज तक? है? अब कोई काम नहीं कहीं। अब इसके बाद जो इधर उधर है कोई काम किया है? हम तो सब दिन काम करते हैं, आप इनको दीजिएगा तो यही बेचारा हमको बताएगा, हम जाएंगे एक एक तरह से सब काम होता रहेगा। तो सब दिन काम है, देखिए यही नहीं, आज तो चुनाव लड़ रहा है, आज इसके पहले भी जब भी पार्लियामेंट का असेंबली का शुरू होता है ये सब आता है, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तुरंत बताता है, तुरंत उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो सब तरह का काम ये लोग करते हैं, तो इसीलिए तो हम आपको यही याद कराएंगे कि एक एक चीज के लिए सब तरह से पूरे तौर पर सब तरह से काम हो रहा है। और आप समझ लीजिए कि आप सोच लीजिए कि हम लोगों ने कितना काम कर दिया है। आई कहां पर था जी, कहीं किसी के घर में नल का जल था जी? आप बोलिए, हम तो 15 में तय किया, 16 में जो तय कर दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया, और हम लोगों ने पक्की गली नाली का भी निर्माण भी कराया है, और हर घर शौचालय, हर घर बिजली पहुंचा दिया है। हर तरह से हम लोग काम, बिजली भी सबके घर में पहुंचाए, हर को पानी पीने के लिए नल का जल, शौचालय ताकि पखाना कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये सब काम हम लोग करवाए हैं। तो ये सारा काम जो हम लोग एक एक लोगों के हित में करते हैं तो याद रखिएगा। और अब बात जान लीजिए, वो लोग कहां किसी को नौकरी दिया है जी, पहले किसको नौकरी मिलता था? अब आजकल हम लोग कुछ दिन साथ रखे हुए थे तो हम ही बताए कि 10 लाख का नौकरी देने वाले हैं, तो वो अपना रहता आजकल बोलता है कि हम लोग इतना दिए, हम करवाए हैं, तब वही करवाया है। माता पिता थी कोई किया है आज तक? आई तो जो हम किए हैं उसी पर दावा करते रहता है कि वो किया है, कुछ क्या किया? सारा काम हम लोगों ने तय किया, और शिक्षकों की बहाली का भी था, यहां पर जो बैठे हुए आपके मंत्री जी है उसी समय तय करके शुरू हो गया था। अब बाद में वो कहा कि हमको दे दीजिए तो शिक्षा मंत्री दे दिए थे, और कुछ करता नहीं था, कहता ही किया, कुछ किया है, लेकिन यहां पर कितना काम करा दिया हम लोगों ने। हमने तय किया था, एक तो 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया, और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने जो तय कर दिया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, तो वही काम हम लोगों ने शुरू किया। 4 लाख लोगों को नौकरी हो गया, 1 लाख का करीब करीब हो जाने वाला है अभी, और उसकी बहाली जारी है, हो जाएगा बहुत जल्दी। और 3 लाख का सृजन किया गया, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो अगला साल जब तक हम लोग हैं तब तक तो 10 लाख तो हम पूरा ही कर देंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा होगा। और रोजगार भी 5 लाख लोगों को, तो सबको मौका मिला है। आज जो आप समझ लीजिए, याद करिए कि हम तो स्वयं सहायता समूह बनाए, देश भर में स्वयं सहायता समूह था, बिहार में भी थोड़ा बहुत था। आज जब हम एमपी थे, अब इनको याद होगा, हम तो सब जगह घूमते रहते थे, आज देखते थे कि स्वयं सहायता समूह दूसरे राज्यों में काफी है, और जब यहाँ 5 में आ गए तो हम घूमने लगे, देखा कि हमारे यहाँ बड़ा कम है, तो हम लोगों ने कहा महिलाओं के लिए ना है स्वयं सहायता समूह, तो हमने ले लिया विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह शुरू करा दिया। और जानते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने लगी, हम लोगों ने तय कर दिया था कि 10 लाख से भी ज्यादा करेंगे। आप जानते हैं दिल्ली से भी लोग आकर के देखने आए, और हमने नाम दिया स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियां, जीविका दीदी कह रहे थे, तो दिल्ली से आकर के देखे तो यहां देख करके कहे कि यहां बड़ा स्वयं सहायता समूह का काम हो रहा है, आज जीविका दीदी नाम दिए हैं, तो वो लोग कहे कि हम लोग देश भर में आज जीविका करेंगे।
आप सोच लीजिए कि बिहार की जीविका और देश में आजीविका, यानी बिहार की जीविका ही देश में जा रही है, आजीविका हो रही है। तो एक एक काम हुआ, कितनी महिलाएं हैं उसमें। हम तो सब जगह ना घूमते हैं जी, तब महिलाएं हैं सब जगह, हम कहां नहीं जाते हैं, हर साल सब जगह जाकर के देखते हैं कि वो कितना काम करती है और कितना अच्छा काम कर रही है, सबके लिए और ज्यादा काम करते हैं। आ कितना है मुस्लिम समुदाय की महिलाएं, कितनी है वो सब में काम करती है और सबसे जाकर के बात सुनते हैं। आप पहले कोई महिला बोल नहीं पाती थी, अब आजकल कितना बढ़िया भाषा बोलती है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सारी महिलाएं उसमें। तो हम तो आपको याद कराना चाहते हैं कि हर तरह का काम हम लोगों ने किया है और मुस्लिम के लिए भी किया है। आप समझ लीजिए स्वयं सहायता समूह की संख्या हो गई 10,51,000 और जीविका दीदियों का नाम किया उनकी संख्या 1,31,00,000। अब शहरी क्षेत्रों के लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदी का कितनी संख्या बढ़ेगी अब जरा बोलिए तो। और सबका इंतजाम कर रहे हैं, तब पढ़ाई का, सबके इंतजाम का, सब तरह का काम करते हैं। तो इसीलिए सब तरह का काम और अल्पसंख्यक समाज के लिए तो हमने पहले बता ही दिया कि 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी गई, कितना तरह का काम कर दिया गया, एक एक तरह का काम किया है। अब आप समझ लीजिए, आप तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं जो हैं, तलाकशुदा हो जाती है उसको हम लोग मदद कर रहे हैं सुविधा के लिए, और उनको पहले परित्यक्ता सहायता योजना 10,000 था जिसको बढ़ा करके हम लोगों ने 15,000 कर दिया, ताकि उसको सवेद कोई छोड़ देता है रहती है पड़े हुए तब। तो सब तरह से हम लोगों ने काम किया है, इसको याद रखिए, हर तरह से सब काम हुआ है। तो इसीलिए सब जगह की चीज है। आप जानते हैं सरकार द्वारा मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जा रही है, पहले नहीं ना मिलता था, हमने पहले भी बताया, अब सबको पैसा दे रहे हैं हम लोग। तो सब तरह का काम किया। अब पूर्णिया में क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है, पूर्णिया सहरसा भागलपुर कमिश्नरी में मदरसे पढ़ने वाले बच्चे लाभान्वित होते हैं। और सुन्नी असिया वक्फ बोर्ड का निर्माण यहाँ कितना ज्यादा हुआ, तो सब तरह से हम तो यहाँ पर क्या पूरे बिहार में अनेक जगहों पर किए। तो ये सब जरा देखिए ना भाई कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी चारों तरफ हम लोग कितना काम करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जरा आप लोग याद नहीं करते हैं, याद करके बता दीजिए और तब जाकर के सोचिएगा कि अगली बार चुनाव है तो आप लोग भी यहां पर लोगों को वोट दीजिए। हम लोगों ने बहुत काम किया है और किशनगंज के लिए बहुत सारा विस्तार का काम किया है, जहां कहीं भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आईटीआई सब तरह के चीजों का इस्तेमाल किया है, जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज, कौन काम नहीं किए हुए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, फिर किशनगंज जिले में मोतिहारी में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, ये सब तरह का काम हम लोगों ने करवाया है। तो कौन तरह का काम हम लोग छोड़ रहे हैं, सड़क और पुल पुलिया का निर्माण, एक एक चीज को याद रखिए। और आपके बीच में आ रहे हैं तो यहां पर भी माते जाते नहीं रहते हैं, यहां पर भी बहुत सा काम हुआ स्वास्थ्य के केंद्र में, क्षेत्र में ठाकुरगंज और दिग्घल बैंक प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना, यहां पर ठाकुरगंज में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, ठाकुरगंज में आईटीआई की स्थापना की गई और पथों और पुलों का निर्माण अनेक जगह पर किया गया है और बिजली के लिए सब काम किया जा रहा है। तो बिजली के क्षेत्र में सब कुछ किया जा रहा है, एक विद्युत ग्रिड और ग्रिड सब स्टेशन और 3 पावर सब स्टेशन का आप ही के एरिया में करवा दिया है, और बाढ़ से सुरक्षा क्षेत्र के लिए ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में बूढ़ी कनकई नदी, मेची नदी, रतवा नदी के दोनों तटबंधों पर कटाव निरोधक कार्य कराया गया है। तो ये सब काम किया है। अब पंचायत सरकार भवन तो सब जगह बना रहे हैं,
यहाँ भी 6 बना, हम आपको बता देते हैं कि अगले साल के अंत तक हर जगह पंचायत सरकार भवन भी बन जाएगा। तो हर तरह का काम, और अभी हमने कहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत होगी उसको हम लोग पूरा